I am Sasi Nigam from Asanesa English School and the Good Shepherd Education Center. Welcome to our online classes in the second class 8 English medium. अब हम आपको पाठ 7 से रिक्त स्थान की पूर्ति भाववाचक संज्ञा द्वारा कीजिए कराएंगे. इसमें पहला है बड़े बूढ़ों का हमें आदर करना चाहिए. हाथी मस्तानी चाल से चल रहा है. तीसरा है बरसात के बाद चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी. पांच चौथा है हमें अपने नेताओं का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए. पांचवा है पहाड़ी रास्तों की सड़कों पर सावधानी से चलो. अब हम बच्चों आपको निबंध कराएंगे हमारे राष्ट्रीय पर्व. इसमें संकेत बिंदु भूमिका हमारे प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हमारा कर्तव्य. भारत त्योहारों का देश है. यहाँ कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें से कुछ धार्मिक हैं तो कुछ सामाजिक और कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं. सभी देशवासी पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं. हमारे राष्ट्रीय पर्व मुख्य रूप से तीन हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती. अब हम पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस. गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है. सैकड़ों वर्षों बाद हमारा देश आजाद तो हो गया था परंतु उस समय हमारे देश का कोई संविधान नहीं था. 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारा देश गणतंत्र घोषित किया गया. गणतंत्र दिवस का पर्व भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली में होता है. राष्ट्रपति विजय चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं. 21 तोपों की सलामी दी जाती है. सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां राष्ट्रपति को सलामी देते हैं. स्कूली बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. अंत में प्रत्येक राज्य द्वारा भव्य झांकियों को प्रदर्शन किया जाता है. रात को सभी सरकारी भवनों में रोशनी की जाती है. गणतंत्र दिवस हमारा सर्वोच्च राष्ट्रीय पर्व है. इस दिन अपने देश की रक्षा और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए. बच्चों इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा.